फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल। लास्ट वीडियो में जो है वॉल्यूम नहीं आई है, वॉइस का इशू आ गया है। तो आप इस वीडियो में जस्ट आप लेवल्स को नोट कर लीजिए। हमारे दो डिसेसिव लेवल्स रहेंगे डॉलर इंडेक्स में 104.022, 103.991। इन दोनों में से जो भी ब्रेक होगा उसके साइड का हमें ट्रेड देखना पड़ेगा। अपसाइड के लिए हमने ये तीन लेवल्स मार्क किए और सेल साइड के लिए हमने दो लेवल्स ही मार्क किए, क्योंकि सेल साइड पर काफ़ी सपोर्ट है। ठीक है, इसके बाद गोल्ड के लिए अगर हम बात करते हैं तो गोल्ड के लिए भी आप लेवल्स को मार्क कर लीजिए। हमने डिसेसिव लेवल एक ही रखा है यहाँ पर, 2027। इसके ऊपर अगर मार्केट बुलिश कैंडल क्लोज देती है तो हमें बाई साइड का ट्रेड देखने को मिलेगा। ये हमारे लेवल्स रहेंगे तीनों 2030, 32, 34। और अगर मार्केट नीचे की तरफ गिरती है तो फर्स्टली हमें यहाँ पे सपोर्ट देखने को मिलेगा ट्रेंड लाइन से, और ये ट्रेंड लाइन टूटती है तो 2023.831 के ब्रेक होने का वेट करना पड़ेगा। ये ब्रेक हो गया तो हमें सेल साइड के और दो टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। इनके अलावा अगर हम बात करें सिल्वर की, XAG USD पे स्विच करते हैं। यहाँ पे देखिए हमने दो इंपॉर्टेंट लेवल्स मार्क किए हैं, 23.09 और 23.02। दोनों में से जो भी ब्रेक होगा उस साइड का हमें ट्रेड देखने को मिलेगा। सेल साइड के लिए हमें यहाँ पर थोड़ा सा कॉशियसली प्लान करना पड़ेगा। अगर 23.02 ब्रेक करता है तो 22.99, 22.95 टारगेट रहेगा। इसके बाद इस जोन में हमें ट्रेड प्लान नहीं करना है। अगर इस जोन में क्लोजिंग भी आ जाती है तब भी हमें ट्रेड प्लान नहीं करना है। 22.93 ब्रेक होगा तो 22.90 तक का हमें नेक्स्ट ट्रेड देखने को मिल सकता है। तो XAG USD में आपके ये लेवल्स रहेंगे, इनको आप मार्क कर लीजिए। साथ के साथ सिल्वर फ्यूचर्स में से शिफ्ट करते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक डिसेसिव लेवल है 71.226। जिस भी साइड पे मार्केट मूव करेगी उस साइड का हमें ट्रेड देखने को मिल सकता है। ऑल्दो अभी बाई साइड का मूव लग रहा है यहाँ पर, तो बाई साइड एक्सपेक्टेड है। ये हमारे बाई साइड के तीन टारगेट्स रहेंगे और सेल साइड के हमारे दो लेवल्स रहेंगे, तो इनको आप मार्क कर लीजिए और लास्ट वीडियो को आप इग्नोर कर दीजिए। ओके इन्वेस्टर्स, बाय एवरीबॉडी, टेक केयर एंड कीप ऑन अर्निंग प्रॉफिट्स। गुड नाइट।